सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात विभाग के सौजन्य से सड़क सुरक्षा के जागरूकता के लिए पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर 17 जून से 22 जून तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन से प्रशिक्षु महिला आरक्षियों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो महानगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का संदेश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। लाउड स्पीकर कहाँ गया आपका? कंप्लेंट बांटना नहीं, अपने पास रखना है ऐसे दिखाने के लिए। ज़्यादा है तो बांटना, ऐसे कंप्लेंट दिखाओ, कंप्लेंट ऐसे दिखाओ। ये रिक्रूट आरक्षी हैं और इनका रूट मार्च होता ही है, तो उस सिलसिले में चूंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह में है, तो इनका आज का रूट मार्च जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह को डेडिकेट करते हुए इनको शहर में भेजा गया है जन जागरूकता करने के लिए, जिससे कि लोग ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। हमारे पास इनको पंफलेट बांटने के लिए लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली की शक्ल में पूरे शहर में आज कई हिस्सों में ये जाएंगे अगले एक घंटे में और लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि हमारा एक मकसद पूरा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट पहने और तीन सवारी ना चलें। और क्या कारण हो सकते जी क्या कारण हो सकते? आपको पता ही है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में हम जितना भी दुर्घटना के कारण हैं, चाहे वो आपका हेलमेट ना लगाना हो, सीट बेल्ट ना पहनना हो, गाड़ी गलत ढंग से चलाना हो, शराब पी के चलाना हो, मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं लोग, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कम गाड़ी आती उसके बाद भी सीख नहीं पाए और गाड़ियां चला रहे हैं, तो उन सब से अवेयर करने के लिए हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अवेयर किया जाए कि भाई ये आप लोग इन नियमों का पालन करें और अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं, तो नशे में गाड़ी चलाते हैं, चेक करने के लिए कुछ
जी यातायात पुलिस टीम के पास, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर नाम की चीज़ होती है जिससे हम चेक करते हैं, तो उसका भी प्रयोग शाम के समय हम लोग करते हैं। एक टीम के पास वो भी है और उसमें भी जो लोग पकड़े जाते हैं उनको दंडित किया जाता है।